भोपाल शहर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोपेड सवार वृद्ध भगवान दास अनुरागी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा पचपहरा नहर के पास हुआ। राहगीरों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने मृतक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू की है। झांसी के मोत थाना क्षेत्र ने देर रात गश्त के दौरान तीन शातिर बदमाशों को मुठभेड़ में पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी और लूट के सोने चांदी की जेवरात, तमंचे और कारतूस बरामद हुआ। दो साथी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पकड़े गए बदमाशों पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मोट की पुलिस टीम के द्वारा तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जो डकैती की योजना बनाते हुए पकड़े गए हैं। इनसे चिरगांव, मोट आदि थानों के करीब 5 मुकदमे जो चोरी के थे, उनके माल बरामद हुए हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। कासगंज जनपद की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम मेधा रूपम और एसपी अपर्णा राजत कौशिक ने तहसीलदार सावर में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों ने समस्याओं के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। महोबा जिला अस्पताल में मरीजों के इलाज में लापरवाही की शिकायत के बाद अपर निदेशक स्वास्थ्य रेखा रानी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएमएस की गैर मौजूदगी और अस्पताल परिसर में गंदगी पाई गई। आईसीयू सहित अन्य वार्डों में एसी बंद होने पर जांच के निर्देश दिए गए। रेखा रानी ने बुंदेलखंड के स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और चित्रकूट धाम मंडल में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को लेकर स्वीकारा। उन्होंने इन समस्याओं को लेकर शासन को कार्रवाई के लिए लेटर लिखा। मुजफ्फरनगर के स्वामी कल्याण देव जिला चिकित्सालय में मरीज के तीमारदारों ने स्टाफ पर मारपीट का आरोप लगाया है। भाकियू क्रांति ने शिकायत की और अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सीएमएस ने मीडिया से बातचीत से इनकार कर दिया और भ्रष्टाचार के मामले की बढ़ती घटनाओं पर भी सवाल उठाए। भाकियू क्रांति के पदाधिकारियों ने पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया। सीएमओ महावीर सिंह ने कहा कि नगर कोतवाली मामले की जाँच कर रही है। मेडिकल वार्ड में कोई पेशेंट एडमिट था, उससे मिलने के लिए कोई अटेंडेंट आई थी, फीमेल अटेंडेंट, और उससे जो है जो ड्यूटी पे थी स्टाफ नर्स, उसने कहा हुआ कुछ ज़्यादा भीड़ देख के वार्ड से बाहर जाने के लिए, तो उनको ये चीज़ महिला अटेंडेंट को थोड़ी सी नागवार गुजरी कि उसको बाहर निकलने क्यों कहा जा रहा है। तो उन्होंने जो है उस स्टाफ नर्स के साथ बताते हैं कि थोड़े कुछ हाथापाई वगैरह की। मिर्जापुर जिले के हालिया थाना क्षेत्र के कुसियारा गांव में सीआर ने रात भर अलग अलग घरों में घुसकर हमला किया। इस हमले में 7 ग्रामीण घायल हो गए, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सीआर के हमले से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। पहले 2 बच्चे हैं जो सीआर के काटे हुए थे जी, और इसके बाद में 4 लोग और आए थे जी। तो सारे उसमें जो पहला बच्चा आया था छोटा, उसकी नाक पे कटा हुआ था, ज़्यादा घाव था जी। तो थोड़ा सा ड्रेसिंग करके ENT के लिए कहा था, आज ENT डिपार्टमेंट में दिखा लें जी। और सारे लगभग नॉर्मल थे, काटा तो सबको था यार, उनको सबको बाकायदा ERV इंजेक्शन, TT डाइक्लोनेक दे के, एंटीबायोटिक वगैरह दे के यहाँ से फिनिश कर दिया। इसके बाद दवाइयाँ दे के घर भेज दी। हाँ, वो उसमें मैंने जो ACM हुए हमारे, उनसे मैंने कह दिया था। अब क्योंकि मैं कल भी असल में नहीं बैठ पाया, आज भी पूरे दिन नहीं बैठ पाया, तो मैं अभी पूछता हूँ उनसे कि उन्होंने क्या कार्रवाई की, इतना गए या नहीं गए। सर क्या लग रहा है, सर कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल होगी। अगर देखिए ऐसा है कि ये चेक करने में जाते हैं और मरीजों को देखा जा रहा है, और एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल अगर अपंजीकृत व्यक्ति कोई कर रहा है जो हमारे रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। कानपुर में छावनी थाने पर पुलिस कमिश्नर ने ई माल खाना का शुभारंभ किया। इस नई व्यवस्था से मुकदमे से संबंधित माल का रखरखाव और पहचान QR कोड के माध्यम से आसान होगी। ई माल खाना ऐप और वेबसाइट के जरिए माल की सभी प्रविष्टियां और स्थितियां देखी जा सकते हैं। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। देखिए, बेसिकली आप जानते होंगे कि माल खाना एक इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है किसी भी पुलिस स्टेशन का। जो ट्रेडिशनल तरीके होते थे उसमें हमारे जो मालखाना रखे रहते थे उसको एक रजिस्टर में उसके प्रविष्टियाँ की जाती थी और उसको एक लिखकर उस पर फिजिकली लिखा जाता था कि वो मालखाना किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ई मालखाना में जो मेन चीज़ है कि जो इंटायर डॉक्यूमेंटेशन है वो डिजिटाइज हो गया है, और उसमें कोई भी ऑफिसर कहीं भी बैठे, जो उसका सुपरवाइजरी ऑफिसर है, वो देख सकता है कि वो मालखाना कहाँ है, और उसकी पूरी चेन ऑफ कस्टडी पता लग जाती है कि अगर वो मालखाना में है या कोर्ट में प्रोड्यूस है।
उसकी लोकेशन, फिजिकल लोकेशन क्या है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना का चमोली में 3 साल 1 महीना 7 दिनों का कार्यकाल समाप्त होने पर जिला कार्यालय में भावभीनी बधाई दी गई। अधिकारियों ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें कुशल प्रशासक बताया और नए जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं हिमांशु खुराना ने अपने सहयोगियों और जनता का आभार व्यक्त किया और अपने अनुभव शेयर किए। महाकाल की शाही सवारी से शाही शब्द हटाए जाने और कुंभ के शाही स्नान से शाही शब्द हटाए जाने की मांग पर संतों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी ने कहा कि इस प्रस्ताव पर सभी अखाड़े की रजामंदी से निर्णय होगा, क्योंकि ये हजारों साल पुरानी परंपरा से जुड़ा है। जून अखाड़ा के महामंडलेश्वर महेड़ानंद गिरी ने कहा कि इस निर्णय को अखाड़े के साथ मिलकर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये शब्द मुगल काल से प्रचलित है। कासगंज में महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर हत्याकांड में 4 अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी पर विरोध हो रहा है। अधिवक्ताओं का एलिगेशन एसपी से मिलने गया, लेकिन एसपी से कार्यालय मौजूद न होने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाए। जनपद न्यायालय के सीजेएम ने चारों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तारियां सोरू कोतवाली स्थित आवास से की गई। पुलिस कासगंज द्वारा हमारे 6 अधिवक्ताओं के विरुद्ध, मतलब 5 अधिवक्ता और 1 अधिवक्ता के बेटे के विरुद्ध मोहिनी मर्डर केस में जो है FIR दर्ज की गई। हम लोगों ने इस संबंध में अपना एक ज्ञापन माननीय एसपी महोदय को कल आकर शाम को दिया 4 बजे, और उनसे ये अनुरोध किया था कि जब तक कोई ठोस सबूत हमारे अधिवक्ताओं के विरुद्ध नहीं मिलता है, तब तक अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी न की जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अम्बेडकर नगर का दौरा करेंगे। वो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मंडल आयुक्त गौरव दयाल, IG प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी अविनाश सिंह और पुलिस अधीक्षक कौस्तंभ ने कार्यस्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी का हेलीकॉप्टर 12:40 पर भीटी तहसील के ग्राम हीडी पकड़िया में लैंड करेगा और 1:10 पर लखनऊ के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। पौड़ी जिले में गणेश चतुर्थी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा के साथ छोटी प्रतिमाओं की शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई, जिससे शहर भक्तिमय हो उठा। शोभा यात्रा सीएमओ कार्यालय से शुरू होकर मुख्य बाजारों में होती हुई गणेश हॉल तक पहुंची, जहां भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। सेंट्रल नोएडा सेक्टर 63 पुलिस ने ठगी करने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है, जो वर्क वीजा और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किया करते थे। 6 महिलाओं समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कॉल सेंटर की महिला संचालक भी शामिल है। सेक्टर 63 में के अंतर्गत एक कॉल सेंटर में कुछ लोग वर्क वीजा दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। 2-3 कंप्लेंट्स जब एनालाइज की गई और हमारे द्वारा जब इस कॉल सेंटर पर जाया गया, तो पता लगा कि इस कॉल सेंटर पर एक व्यापक फ्रॉड चल रहा है वर्क वीजा दिलाने के नाम। ये लोग कनाडा, सर्बिया जैसे देशों में स्टोर मैनेजर या स्टोर वेयरहाउस वर्कर की प्रोफाइल पर नौकरी देने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करते हैं। ये लोग हर व्यक्ति से 5 से लेकर 15 लाख के बीच लोगों से ठगने का प्रयास करते हैं, और शुरू में 10% 15% इस तरह का अमाउंट ये लोग पहले उनसे मांगते हैं और कहते हैं कि बाकी अमाउंट आप नौकरी लेने के बाद। अम्बेडकर नगर के भीटी तहसील के अटवाई गांव के ग्रामीणों ने रेलवे क्रॉसिंग पर प्रदर्शन किया, जिसमें ओवर ब्रिज की मांग की गई। अंडरपास 3 साल से पानी में डूबा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। प्रधान जयप्रकाश पटेल ने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 25 गांव उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे। चमोली में नव नियुक्त जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने अपने कार्यभार ग्रहण किया है। उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर और पुष्प गुच्छ के साथ किया गया। उन्होंने जिला कोषागार का निरीक्षण किया। संदीप तिवारी 2017 यूके बैच की IAS अधिकारी हैं और पूर्व में कुमाऊं मंडल विकास निगम और नैनीताल जिले में CDO रह चुके हैं। नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में 60 वर्षीय बुजुर्ग का दिल के पास बने फोड़े का सफल ऑपरेशन किया गया। 7 डॉक्टरों की टीम ने 15 घंटे की मेहनत से ऑपरेशन किया, जिसमें बाईपास सर्जरी और रक्त वाहिकाओं के संचालन को ठीक किया गया। डॉक्टर सतीश मैथ्यू ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिससे मरीज को नया जीवन मिला है। मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी से ठीक करें, ओपन सर्जरी में रिस्क था कि 30% कम से कम चांस ऑफ डेथ मोर्टैलिटी होने का। हमने ये पहले इनका जो बाईपास किया, जो 2 नलियों ब्लॉक थे दिल के उनको बाईपास किया। सेकेंड स्टेज में एक ग्राफ्ट लगाया मेन महाधमनी के स्टार्टिंग से लेकर ब्रेन और हाथों के सप्लाई के लिए अलग से, ताकि हम थर्ड स्टेज में जो है मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक से कैथेटर गाइडेड एक छल्ला डाले हैं वो मेन महाधमनी में, जहाँ पे ये स्वेलिंग हो रहा था, और इन्वेजन को बंद कर दिया।